अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी और बहुत फेमस लेमन सोडा वाटर की रेसिपी। इट्स सो रिफ्रेशिंग एंड वेरी इजी टू मेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं इसका मिक्सर रेडी कर लूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए पानी और मैंने इसमें शामिल किया है 260 ml पानी, यानी कि अराउंड 1 गिलास पानी। और ये मिक्सर मैं रेडी कर रही हूँ 1 लीटर के लिए। रूम टेम्परेचर पानी लिया है और इसके अंदर अब मैं डालूंगी चीनी। अराउंड मैं लूँगी 5 टेबल स्पून। पानी आपने रूम टेम्परेचर का ही लेना है क्योंकि हमने इसके अंदर अब चीनी को डिज़ोल्व करना है और चीनी ठंडे पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, इसीलिए रूम टेम्परेचर पानी लेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो जल्दी से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। आप इस मिक्सचर को रेडी करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी इसको सर्व करना हो उस टाइम पे आप इसे पोर करें और इसके अंदर इसका मेन इंग्रेडिएंट शामिल करें और इसको सर्व करें। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ काला नमक। ये मैंने शामिल किया है अराउंड ½ टी स्पून और हम अच्छे से इस मिक्सर को डिज़ोल्व कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, वो मैं शामिल कर रही हूँ ½ कप। और ये हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है। अब इस मिक्सर को मैं पोर करूँगी सर्विंग ग्लासेस में। अराउंड 1/4 कप मैंने मिक्सर शामिल किया है ग्लासेस में। और ये मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है, तो मैं इसमें बर्फ़ शामिल नहीं कर रही। इट्स ऑल अप टू यू, आप चाहें तो इसमें आइस भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी स्प्राइट। और इसके अलावा आप एनी सॉफ्ट ड्रिंक, कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये हमारी बहुत ही जल्दी क्विक रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इट्स रियली रिफ्रेशिंग। और अगर जब कभी आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली हो या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्राइंग खा लेने के बाद जैसे फील होता है कि तबीयत थोड़ी सी अजीब सी फील होती है कि आपको इनो की ज़रूरत पड़ती है या कुछ ऐसी ड्रिंक पीने को दिल करता है जिससे सारा फूड डाइजेस्ट हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ड्रिंक है। अब हम इस मिक्सर में भी स्प्राइट में शामिल कर रही हूँ और इसको फुल भर लूँगी, यानी कि इस हमारा 1 लीटर की जो सर्विंग है ये पूरी हो जाएगी। ये अराउंड 5 to 6 ग्लासेस सर्व होते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये थी हमारी आज की लेमन सोडा वाटर की रेसिपी। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और क्विक बनती है, बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको बिग लाइक दें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छी और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।